फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूं, देखो हमारे फेस पे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन की कह लो या फिर जो भी हमारा आज का रूटीन है। बहुत अच्छे से हम अपने फेस का ध्यान नहीं रख पाते हैं या खाना पीना अच्छा नहीं खाते हैं। बाहर निकला पिज्ज़ा खा लिया, ये खा लिया, बहुत। वैसे मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ। और होता क्या है, कई बार हमारे फेस पे ढेर सारे दाग धब्बे होते हैं। वो होते हैं, क्रीम से भी बिल्कुल ठीक होते हैं, बट अगर हमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़े से टाइम लगाना चाहिए कि हम क्या लगाएं फेस पे और क्या ऐसा करें कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे। तो आज मैं एक ऐसा DIY फेस पैक आपको बताने वाली हूँ जो आपके फेस पे जो दाग धब्बे होते हैं ये उनको लाइट करता है और स्किन को आपके ब्राइट करता है, सुंदर बनाता है। तो मैं वही फेस पैक आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखो आज की वीडियो में जो बताऊंगी वो इसलिए, देखो मैं वैसे भी ब्रांड्स बताती हूँ कि हाँ ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, DIY वाज टू गुड, बट प्रॉब्लम क्या है, DIY चीज़ें जो हैं थोड़ा सा लेट इफेक्ट देती हैं। पर आज ना सबको जल्दी है, हर चीज़ में जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो नहीं मिल पाता है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जब आपने फेस का शुरू से ख्याल नहीं रखा तो अब अचानक से एक साथ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे देगा फटाफट। होता क्या है, स्टार्टिंग में हमारी एज कम होती है और हम लोग क्या करते हैं ना, अरे अभी चल जाएगा, ऐसे सो जाते हैं, अरे फेस नहीं धोया, बाहर से आया। यार बाहर से आओ ना, सबसे पहले तो अपना फेस वॉश करो। आपको पता भी नहीं है बाहर कितना पॉल्यूशन है, कितनी डर्ट है जो आपके फेस पे वो धूल मिट्टी ना एब्जॉर्ब कर जाती है, फिर वो निकल नहीं पाती है। क्योंकि फेस की जो ऊपरी परत होती है इसके नीचे एक और जो लेयर होती है उसमें अगर कोई चीज़ चली गई ना तो वो जल्दी से निकलती नहीं है और फेस अच्छा नहीं लगता है, फिर उसके बाद आप ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो चलिए अब मैं ये बताने वाली हूँ, ये सैंडलवुड और ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज का जो पाउडर होता है, आप उससे जो आप घर पे पाउडर बनाते हो, संतरे खाते हो ना, ऑरेंज खाते हो, उसके जो छिलके होते हैं उसको सुखा लो, निकालने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा साफ कर लो। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, जो आप ऑरेंज लाते हो आप धोते नहीं हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अरे मैंने तो छिलका क्यों धोना है, लेकिन अगर आपको छिलका यूज़ करना है तो उसको धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको छिलका धोना है, धोने के बाद पूरा अच्छे से उसको ड्राई करना है, सुखाना है। मैं सब साथ में दिखा दूंगी वैसे, अगर दिखा पाई तो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास कोई पकड़ने वाला फ़ोन नहीं होता है, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ बड़ी मुश्किल से रख के बनाती हूँ। तो अगर बता दिखा पाई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता भी दे रही हूँ। आपको ऑरेंजेस जो आपको हैं उनको पहले क्लीन कर लेना, क्लीन मतलब अगर आप चाहो तो सूखा कपड़ा भी रख सकते हो, आप चाहो तो धो सकते हो, ऊपर से धोया उसके बाद उसके जो ऑरेंज निकले ना पीसेस उसको रख लो एक कटोरी में, जब पैक लगाना तो खा लेना। उसके बाद उसको जब ड्राई हो गया, ड्राई बिल्कुल ड्राई एकदम कुरकुरा सा हो जाता है, और नहीं तो आप नहीं चाहते हो तो आप ऑरेंज पाउडर मंगा भी सकते हो और दोनों यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगी ऑरेंज पाउडर ऐसे ही मैंने पर्पल से मंगाया था, मैं वही यूज़ करके दिखाऊंगी आप लोग को। तो उसको उसमें डाल के फिर वो जो ऑरेंज पाउडर है उसको एक बॉल में ले लो, साफ बॉल होनी चाहिए, कभी भी प्लास्टिक की बॉल यूज़ मत करना। मैंने पहले भी बोला है प्लास्टिक में मैं कोई ऐसा फेस पैक वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो आप उसको कटोरी में उसको डाला, 2 चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग डाल लो। अब इसमें ऑरेंज है, एक नॉर्मल ब्लीच है, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि आप नॉर्मल ब्लीच मैं नहीं करवाती हूँ, जो करवाते हैं मैं उनको भी कुछ नहीं कह रही हूँ, आपका अपना चॉइस आप करो, बट नहीं करवाना चाहिए, स्किन को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको बिल्कुल गोल्डन कर देता है, आप दिखने में ही अजीब सा लगने लगता है। तो आपने 2 चम्मच उसमें, मैंने देखो दो जितना भी डालना है मैंने ये ऑरेंज का वो पाउडर डालूंगी। ऑरेंज पाउडर डालने के बाद इसमें ऑरेंज आपकी जो ढेर सारी ब्लेमिशेस या प्रॉब्लम्स होंगी, जो ढेर सारे दाग धब्बे हैं उनको कम करेगा। उसके बाद जो आपके फेस पे पिगमेंटेशंस वगैरह हैं ये उनको कम करेगा। उसके बाद आपके फेस पे जो एक ग्लो चाहिए, नेचुरल विटामिन सी चाहिए जो आपके फेस पे ग्लो लाता है, फेस को सुंदर बनाता है, उसके लिए सबसे अच्छा विटामिन सी ऑरेंज और लेमन ही होता है। तो मैंने देखो विटामिन सी के लिए भी ऑरेंज इसमें हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब इतनी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो स्किन को थोड़ा ब्राइट करना है। ब्राइट करने के लिए इसमें हम डालेंगे अपना कौन सा पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर डाल दिया, उसके बाद जब इसमें सैंडलवुड पाउडर डालेंगे तो ये हमारे फेस को थोड़ा सा ब्राइट बनाएगा, थोड़ा सा गोरा बनाएगा। जब विटामिन सी सारा काम करेगी साथ में इसमें सैंडलवुड पड़ जाएगा तो आपका फेस थोड़ा सा ब्राइट होगा, सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसमें मैंने सैंडलवुड डाल दिया। अब इसको आप सोचोगे इसको किससे ड्राई करें, इसको ड्राई इसको घोलना ही तो मैजिक है। जो आपने पीसेस रखे थे या मान लो आपने, मैं इसमें जो डालूंगी वो जो ऑरेंज आपने रखा ना पल्प रखे थे पल्प, उसको छान लो,
अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑरेंज उस समय अवेलेबल नहीं है तो इसको सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल में रोज वाटर में इसको फेंट लो और फेंट के लगा लो। जब आप इसको फर्स्ट वॉश करेंगे ना तभी आपको लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट लग रही है, स्किन सुंदर लग रही है, क्योंकि इसमें जो ऑरेंज था वो आपके स्किन में विटामिन सी का काम करेगा धीरे धीरे। और वीक में 2 डेज इसको यूज करना है, वीक में 2 दिन यूज करना है आपको। इसमें विटामिन सी है आपके फेस पे जो फेस की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है। आप ऑरेंज खाया करो, आंवला खाया करो, ये सब आपके फेस के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो विटामिन सी का काम कर रहा है वो है ऑरेंज। हमारे फेस पे जो ढेर सारी दाग धब्बे और पिगमेंटेशन या फिर रिंकल्स हैं, झाइयां हैं, समय से पहले झुर्रियां पड़ रही हैं, सन टैन है, ये उनको रिमूव करेगा। उसके बाद जब हमारी स्किन ब्राइट होनी, उसके लिए मैंने डाला इसमें सैंडलवुड पाउडर, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, गोरा बनाएगा, जो कि मेरी तरह हर लड़की का सपना, लड़की का या हर किसी का सपना होता है यार कि मेरा फेस सुंदर लगे, गोरा लगे। तो ये इसलिए ये पूरा काम करेगा। तो इसको एक बार नहीं, आप 2 बार लगा सकते हो। आपकी फ्राइडे सैटरडे ऑफ है तो फ्राइडे नाइट लगा लो, संडे ऑफ है तो सैटरडे नाइट भी लगा सकते हो। तो ये जब आप लगाओगे तो आपको धीरे धीरे 1-2 बार में, आप सोचो कि 1 हफ्ते लगाया, 2 हफ्ते लगाया, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन में आपको इफेक्ट दिखेगा। बट हाँ, हल्का फुल्का इफेक्ट दिखेगा, आपको स्किन आपकी ब्राइट लगेगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि ये तो इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़ा सा स्मेल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑरेंज है जो हम खाते हैं तो वो तो स्मेल करना ही नहीं है। और सैंडलवुड है जो पुराने टाइम पे मम्मी लोगों के टाइम से चला आ रहा है, एक घना राज चला आ रहा है, तो ये उसमें ये मैंने सैंडलवुड भी डाला। और मैं लगाती हूँ, इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद भी चीजें लगाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं DIY चीजें लगाऊं, बट जल्दी जल्दी में जैसे वीडियो बनाया, फिर बच्चों को आना है, उसमें टाइम नहीं मिला नहाने से पहले, अभी और ठंडी लगती है, तो फिर हम कुछ नहीं लगाते। तो फिर आप इसको कोशिश करना, वीक में 2 डेज लगाना। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो वीक में 2 डेज लगाना, और अगर चाहिए कि हाँ धीरे धीरे दे इफेक्ट, धीरे धीरे कोई बात नहीं, मैं वीक में 1 दिन लगा लूंगी, आपके पास टाइम नहीं, वीक में 1 दिन लगा लो। और सैंडलवुड और उसको ऑरेंज पाउडर को ज़्यादा मिला के बहुत दिन तक नहीं रखना है, सिर्फ 1 वीक तक आप इसको रख सकते हो मिला के। उसके बाद इसको रोज वाटर में मिक्स करके और आप लगा लो, लगाने के 15-20 मिनट्स। इसको ये मत सोचना कि ये ड्राई हो रहा है तो स्किन ना हमारी सूख रही है, कट जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा हल्का सा गीला टाइप का हो, पूरा सूखा सा ना हो, ड्राई ना हो। उसके बाद इसको थोड़ा सा कोई भी पैक थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाओगे ना आप, तो आपको मसाज करते हुए रिमूव करोगे तो आपकी जो ऊपर की डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन होती है ना, ये उनको साथ में रिमूव कर देता है। जो एक गंदी सी परत होती है या टैनिंग होती है, उनको रिमूव कर देता है। तो आप कोशिश करना इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करते हुए और मुंह को बंद करके पूरा अच्छे से लगा लेना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी, जब मैं अभी लगाऊंगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको करीब कुछ नहीं 8-10 बार मैंने लगा लिया, ज्यादा ही लगाया, मैं कितना बताऊं, क्योंकि मैंने ऑरेंज का पाउडर भी मंगा रखा था, सैंडलवुड भी मंगा रखा था, तो मुझे सिर्फ इसमें रोज वाटर या फिर ऑरेंज कभी मैं खाने जा रही हूँ, अचानक से याद आ गया तो मैंने उसमें डाला और लगा लिया। तो आप इसको जरूर लगाना, आपकी फेस की बहुत सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रिजल्ट कैसा मिला, और रिजल्ट जरूर बता दिया करो ताकि मैं बताऊं कि कैसा है, नहीं है, आपको सूट किया नहीं किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करती हूँ, रीजन ये कि मैं ना मॉर्निंग में वीडियोस बनाती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं अगर मुझे किसी ने बोला भी था आप रिप्लाई नहीं करते, मैं रिप्लाई करती हूँ बट थोड़ा लेट रिप्लाई करती हूँ। मैं 1 बजे तक वीडियो बनाती हूँ, 1:30 पे मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से, उसको लेती हूँ, 3:30 तक मेरी बेटी आ जाती है, फिर दोनों को लेकर खिलाना पिलाना उसमें नहीं होता इतना हम, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता, बट मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, थोड़ा लेट करती हूँ जरूर करती हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना, मैं जरूर 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 रिप्लाई करूंगी। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।